पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाव हादसे में 15 से अधिक लोगों की डूबने की बात सामने आई है। दरअसल गंगा दशहरा पर उमानाथ गंगा घाट से दियारा के पार श्रद्धालु गंगा के मुख्य बहाव क्षेत्र में स्नान के लिए नाव पर जा रहे थे, इसी दौरान नाव डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें 15 लोग डूब गए हैं, जबकि 5 से 6 लोगों को बचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ पुलिस के साथ SDM शुभम कुमार घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। हालांकि सभी अधिकारी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, वहीं घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध उमानाथ घाट पर, जहां कई जिले के लोग गंगा स्नान को आते हैं, वहां पुलिस प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया था, न ही पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती थी। वहां से नाव खुला, हाँ, डूब गया। कई आदमी नाव पर था? 21 आदमी। तो कई आदमी बचा? 4 को बचा है। 4 को बचा है और 17 को डूब गया। हाँ। तुम यहीं के है? नहीं, हरनौत का। तुम देखा था नाव डूबते? क्या घटना हुआ है? ना यहाँ से नाई खुला था। हाँ, नाई खुलने के बाद वहाँ साइड में जाते हुए वहाँ पे जाकर डायरेक्ट ऑटोमेटिक फंस गया। वहाँ कितना आदमी था नाव पर? करीबन 20-25 आदमी ऊपर। तो उसमें तो सब डूब गया है? सब डूब गया। इतना तो मैं देखा नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा था। हाँ, तभी कितना डूबा होगा? आज उसमें 5-6 आदमी को मैं देखा, ऊपर हाथ ऐसे उठा रखा था। हाँ, 5-6 को बच गया। बैठ गया। मतलब 20-25 आदमी डूब गया? 15 प्लस रखिए, डूबने का 15 प्लस। हाँ, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। आप यहीं के हैं? यहीं के हैं। राना भी है। बाढ़ से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।